देवी, सारी बातें यहीं उद्यान में कर लोगी, बाकी ये नहीं छोड़ोगी? बाकी की तैयारियों के बारे में भी तो सोचो तुम, जो अपने पुत्र के आगमन और स्वागत के लिए कर रखी है। वो लड्डू, पुष्पहार, वो आरती, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं पुत्र की। आयुष्मान हो पुत्र। आज तुम्हें अपने सामने देखकर अपार प्रसन्नता हो रही है मुझे। तुम्हारे बिना ये महल कितना सूना था। तुम्हारे आने से इस महल की आभा लौट आई है। धन्यवाद तो प्रभु श्री राम का पिताश्री। उन्होंने मुझे तब तोड़ने का आदेश दिया। यदि वो ना कहते तो मैं संभवतः अभी तक अपनी तपस्या में लीन रहता। चलो पुत्र, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन करा। इतने वर्षों बाद आज मैं अपने पुत्र को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। चलो। नारायण नारायण, पुत्र मिलन के हर्ष में तू माता उपहार की बात भूल ही गई। नारायण नारायण, प्रभु यदि यही स्थिति रही तो आपकी लीला का क्या होगा? और यदि आपकी लीला नहीं हुई तो पृथ्वी पर आया संकट कैसे दूर होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी प्रभु की लीला का ही चरण हो? किंतु ये कैसे पता चलेगा? चल के उनकी से पूछ लेता हूं। नारायण नारायण, इतने सारे लड्डू कम है? नहीं, बहुत ज्यादा। मैं थोड़ी ना अकेले इन्हें खा पाऊंगा। तब कौन खाएगा? ये सब कुछ तुम्हें ही खाना है, मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। ये तो तुम्हारा प्रिय व्यंजन है ना? आप क्यों रो रही हैं? ये हर्ष के अश्रु हैं पुत्र। अब तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा ना? संभवतः जाना होगा माँ। मेरे प्रभु ने कहा है कि मुझे एक संकट को दूर करना है। अब तुझे किसी संकट को दूर करने नहीं जाना। पहले ही तुम बहुत संकट झेल चुके, अब मैं तुम्हें किसी और संकट में नहीं पड़ने दूंगी। तुझे क्या लगता है? मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे सब पता है। जिसके लिए तुम बावरा हो रहा है ना, वो किसी काम के नहीं। नहीं माँ, मेरे प्रभु श्री राम के विषय में ऐसा मत कहिए। वो जितना ध्यान मेरा रखते हैं अथवा
अयोध्या में रखते थे, कदाचित ही कोई इतना ध्यान किसी का रखेगा। मेरे प्रभु श्री राम की नगरी में मेरा इतना अच्छा सम्मान हुआ कि बस मैं क्या बताऊं आपको। चुक चुक जियो मेरे पुत्र। नहीं मित्र, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, तुम सबसे महान हो, सबसे प्रिय हो। यदि तुम नहीं आते तो तुम्हारे बिना मेरा जन्म उत्सव अधूरा रह जाता। तुमने यहाँ आकर मेरे जन्म उत्सव की गरिमा बढ़ा दी है मित्र, सच। हाँ, प्रथम बार जब लोगों ने मुझे देखा तो उनमें भय और भ्रांति उत्पन्न, पर बाद में प्रभु श्री राम ने सब कुछ सुव्यवस्थित कर दिया। चलो चलकर देखते। क्या हुआ? क्यों इतना शोर कर रही थी? क्या बताऊं? मुझे मुझे वो अनोखा जो फिर से दिखाई दिया, इसी गलियारे में था, इसी गलियारे। तो कैसी बातें कर रही हूँ मंत्रा? यदि कोई जीव होगा तो इस स्थान पर क्या करेगा? यदि उसे कहीं छुपना होता तो मेरे कक्ष में आकर छुपता, क्योंकि छत से उतरते ही तीसरा द्वार मेरे कक्ष का होता है। अवश्य तुम्हें कोई भ्रम हुआ है मंत्रा। नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ, मैं स्वर्ण खाकर कहती हूँ, मुझे वो जीव। बस शांत रहिए और किसी भी प्रकार का भ्रम मत फैलाइए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। ऊपर छत पर। क्या छत पर? ऊपर छत पर एक विचित्र जीव आया था। हमने उसे पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वो लुप्त हो गया। अन्य सैनिक मुझे पहरे पर रखकर चले गए। मैं पहरा दे ही रहा था कि ध्वज दंड के रूप में महल की आत्मा चली आई और उसने मुझे मारने की चेष्टा की। मैं किसी प्रकार उससे विनती कर वहां से भाग चला आया। यही वो दंड है, इसी ने मुझ पर प्रहार किया था। इस निर्जीव दंड ने? हाँ, इसी ने, और ये तब बोल भी रहा था। काका, ये निंद्रा में रहे होंगे इसलिए भ्रम कर रहे, अन्यथा दंड भला ऐसा कैसे कर सकता है? कितना सुंदर और मन भावन है मित्र तुम्हारा राम। माते, आप मेरे मित्र को अपने पुत्र की मित्र की दृष्टि से देख रही है, इसलिए आपको भय नहीं हुआ। किंतु जिन लोगों ने भी हनुमान को पहली बार देखा है उनको भयभीत होना स्वाभाविक है, क्योंकि अनजाने अज्ञात से तो मानव को स्वभाव है। तुम अपने मित्र का उत्तरदायित्व मुझ पर छोड़ दो। और मैं सत्य कह रहा हूँ माता, कि मैं तपस्या के लिए अपने प्रभु से कोपित होकर अथवा तनाव में नहीं गया था। मैं तो उनके विचों के दुख को कम करने की मंशा से गया था माँ। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान लेती, किंतु तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाए। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा आपके समीप, आपकी सेवा करूंगा।
किंतु तब तक ही जब तक मेरे प्रभु श्री राम का कोई आदेश प्राप्त नहीं होता। तुम मुझे मेरे ममता को तृप्त करने के लिए जाए, ना कि मेरी सेवा के लिए। तुम मुझे वचन दे, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। रोइए मत मां, मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक आप मुझे आज्ञा नहीं देंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मां मारुति, मेरा पुत्र, तुम्हारे आगमन का समाचार पूरे राज्य में फैल गया है। महल के मुख्य द्वार पर प्रजा तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रही है। माता, क्या मैं राज्य के लोगों को अपना दर्शन देने जाऊं? मेरा आज्ञाकारी पुत्र, चलिए पिताश्री, माता ने आज्ञा दे दी है। चलो। हे भोले शंकर, मेरे पुत्र को मुझसे कभी दूर नहीं करना। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। माँ, 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 अरे माँ कहाँ चली गई? प्रतीत होता है
वे मेरे लिए जलपान बनाने रसोई घर में गई होंगी। मुझे जागने में भी तो देर हो गई। मैं वही चलकर देखता हूँ। माँ माँ माते माँ माते माँ अरे माँ तो यहाँ भी नहीं है, फिर कहाँ गई? पिताश्री से पूछता, उन्हें अवश्य पता हो, किंतु वह तो अपने कक्ष में नहीं होंगे, वह तो व्यायामशाला में होंगे। तो क्या हुआ, मैं वहीं चलता हूँ। पुत्र, तुम भी अभ्यास करो। नहीं पिताश्री, मैं अभी व्यायाम नहीं करूंगा। माँ कहाँ है? पुत्र, तुम्हारी माता अद्रिका से मिलने गई है। अर्थात मेरी मौसी से मिलने गई है। पुत्र, बहुत दिनों से उसे मिले नहीं थी, सो चली गई मेरी। संध्या होने तक लौट आएगी। केवल मिलने गई है या किसी आवश्यक कार्यवश से गई है? हाँ, एक पथ दो काज, मिलना भी और आवश्यक कार्य भी। पिताश्री, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पुत्र, पूछो। कहीं माँ मुझसे रुष्ट होकर तो नहीं गई है ना?